गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास सेकेंड के कंप्यूटर का एक लेसन, ओके। एंड द टाइटल इज मोर अबाउट माउस, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए माउस इज ए पॉइंटिंग डिवाइस यूज टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स ऑन मॉनिटर। एक माउस जो है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के काम आता है, ओके। वी यूज इट वाइल प्लेइंग गेम्स एंड ड्राइंग पिक्चर्स। हम इसका इस्तेमाल गेम खेलते हुए और पिक्चर ड्रॉ करते हुए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए माउस हैज़ थ्री बटन्स। एक माउस के तीन बटन होते हैं, ओके। लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड स्क्रॉल व्हील। तो यहाँ देखिए, ये इसका लेफ्ट बटन है, ये इसका राइट बटन है और बीच में रेड जो है ये स्क्रॉल व्हील है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ओके। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट माउस पॉइंटर, टाइप्स ऑफ माउस, हाउ टू होल्ड द माउस एंड यूजिंग माउस बटन्स, ओके। सो ओवरऑल इस चैप्टर में हम माउस के बारे में एक जानकारी लेंगे और माउस को कैसे होल्ड करना है, माउस से कैसे काम करना है, ओके। सो लेट्स मूव। माउस पॉइंटर, ओके। द एरो ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड द माउस पॉइंटर। तो ये कंप्यूटर के मॉनिटर पर आप देखो व्हाइट कलर का, ये माउस पॉइंटर है, ओके। ये हर कंप्यूटर पे होता है। इट शोज द मूवमेंट ऑफ द माउस। ये माउस की मूवमेंट को दिखाता है, मींस अभी ये यहाँ पर है तो माउस की पोजीशन यहाँ है। इसको आप माउस को स्क्रॉल करके ऊपर ले जाओगे तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, ओके। द पॉइंटर इज यूज टू पॉइंट एट एंड सिलेक्ट थिंग्स ऑन द मॉनिटर। सो इस पॉइंटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? जो हमारे डेस्कटॉप पर डिफरेंट आइकन्स हैं या फोल्डर्स हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए और उन्हें पॉइंट करने के लिए। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। द शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर चेंजेस विद डिफरेंट एक्शंस वी डू ऑन द कंप्यूटर। ये माउस का जो पॉइंटर का आइकन है वो चेंज हो जाता है जब भी हम कंप्यूटर पर अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस सिंपल नॉर्मल माउस पॉइंटर एंड दिस इज अनदर यू नो आइकन ऑफ माउस पॉइंटर एंड दिस इज द थर्ड वन आर डिफरेंट शेप्स। दीज आर डिफरेंट शेप्स ऑफ द माउस पॉइंटर। तो ये तीन तरह के माउस पॉइंटर दिखा रखे हैं जो जनरली कंप्यूटर पर आपको दिखाई देंगे, ओके। नाउ टाइप्स ऑफ माउस। माउस के प्रकार, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस। माउस कई तरह के होते हैं, ओके। बॉल माउस। बॉल माउस क्या होता है? ए बॉल माउस हैज ए बॉल अंडर इन इट विच ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। बॉल माउस के अंदर क्या होता है? एक बॉल होती है, भारी बॉल होती है, रबड़ की तरह होती है, ओके। और ये माउस पहले चलते थे, अब जो है ऑप्टिकल माउस ही चल रहे हैं। इस तरह के माउस बहुत कम देखने को मिलेंगे। आज से 15 साल 20 साल पहले तक ये माउस बहुत ज़्यादा चलते थे, ओके। वी कैन टर्न द बॉल माउस अपसाइड डाउन एंड सी द बॉल। तो इस माउस को उल्टा करके और यहाँ पे एक लॉक लगता था, बॉल को अंदर डाल के और उस लॉक को हम लगा देते थे ताकि बॉल जो है वो गिरे ना, हम माउस को यूज़ करें तो, ओके। ये दिखा रखा है। ए बॉल माउस इज ऑल्सो कॉल्ड ए मैकेनिकल माउस। इस तरह के बॉल माउस को हम लोग मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, ऑप्टिकल माउस एंड लेज़र माउस। ऑप्टिकल और लेज़र माउस क्या है? एन ऑप्टिकल माउस हैज़ ए LED लाइट अंडर इट विच ट्रैक्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। अब ऑप्टिकल माउस के अंदर क्या होता है? एक ये लेज़र लाइट होती है, देखो ना इरा, एक LED लाइट होती है, सॉरी लेज़र लाइट नहीं, LED लाइट होती है जो माउस के पॉइंटर को ट्रैक करती है। मीन्स जब आप इस माउस को मूव कराओगे तो ये लाइट भी कम ज़्यादा होती रहती है जिससे कि माउस की पॉइंटर की पोजीशन चेंज होती रहती है। थर्ड क्या है? अ लेज़र माउस हैज़ ए लेज़र लाइट अंडर इट टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। ये लेज़र माउस है। लेज़र माउस में क्या होता है? एक लेज़र लाइट होती है जो माउस के पॉइंटर को ट्रैक करती है, ओके। चलिए, वी कैन सी द लाइट अंडर द माउस। इसमें भी आप देख रहे हो माउस के अंदर जो है लाइट जल रही है रेड कलर की, ओके। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। चलिए, ये थर्ड टाइप का माउस आ गया, वायरलेस माउस, ओके। अब वायरलेस माउस क्या होता है? ए वायरलेस माउस इज नॉट अटैच्ड टू ए CPU बॉक्स थ्रू ए वायर। इस तरह के माउस जो है CPU बॉक्स या फिर लैपटॉप से किसी वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होते। ये आप में इसमें जो छोटा सा डिवाइस देख रहे हो USB ड्राइव है, ये इसके थ्रू कनेक्ट होता है। मींस इसको आप अपने CPU में या लैपटॉप में कनेक्ट कर दोगे और इस माउस के नीचे एक स्विच होता है,
उससे ऑन कर लोगे तो ये आपका माउस जो है, माउस का पॉइंटर आपके डेस्कटॉप पर दिखाई देगा और इससे आप अपने एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो. ओके, इट वर्क्स थ्रू ए सिग्नल्स. तो ये सिग्नल जो है आपस में दोनों मैपिंग होकर के सिग्नल इससे कैच करता है. इट कैन बी ए बॉल माउस, एन ऑप्टिकल माउस और ए लेजर माउस. तो जो तीन तरह की कैटेगरी हमने पढ़ी हैं उनमें से कोई भी वायरलेस माउस हो सकता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. हाउ टू होल्ड द माउस, माउस को होल्ड कैसे करना है. होल्ड द माउस जेंटली विद योर राइट हैंड. राइट हैंड से आपको माउस को पकड़ना है, होल्ड करना है. रेस्ट योर पाम ऑन इट, अपने पाम को इस पे रेस्ट पोजिशन में रखना है. ओके, पुट योर इंडेक्स फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन, तो आपकी इंडेक्स फिंगर को लेफ्ट बटन पे रखना है माउस के. ओके, पुट योर मिडल और सेकेंड फिंगर ऑन द राइट बटन, तो आपकी देखो मिडल फिंगर ये जो है ये राइट वाले उस पे रख दी हमने. लेफ्ट बटन पे फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर, राइट बटन पे सेकेंड फिंगर. ओके, देखो ये दिखा रखा है पिक्चर में, ऐसे माउस को होल्ड करना है और ये नीचे माउस पैड है. ओके, द पैड ऑन विच यू कीप द माउस इज कॉल्ड द माउस पैड. जिस पैड पर हम माउस को रखते हैं उसे हम माउस पैड बोलते हैं. ओके, इट प्रोवाइड्स ए स्मूदर सरफेस व्हेन यू मूव द माउस. जब आप माउस को मूव करते हो तो ये माउस पैड जो है वो एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है. कई बार ना समतल जमीन, मतलब समतल सरफेस नहीं होता तो माउस का जो पॉइंटर है प्रॉपर मूव नहीं करता डेस्कटॉप पर, तो उसके लिए ही हम ये माउस पैड इस्तेमाल करते हैं. ओके, नॉर्मली आप अगर टेबल पे भी रख के माउस चलाओगे ऑप्टिकल माउस को तो प्रॉपर वर्क करेगा, उस केस में आपको माउस पैड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. ओके, अब स्मार्ट टिप में देखिए क्या बताया इसने. ये माउस पकड़ने की रॉन्ग पोजीशंस हैं और ये माउस पकड़ने की राइट पोजीशन है, जो आपने ऊपर भी सीख ली है. ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं. नेक्स्ट पेज पर क्या है. राइट बी फॉर बॉल माउस, ओ फॉर ऑप्टिकल माउस एंड डब्ल्यू फॉर वायरलेस माउस. तो ये कौन सा माउस है, ये वायरलेस माउस है. यहाँ डब्ल्यू लिखोगे, ये आपकी बॉल माउस है तो यहाँ पे बी लिखोगे. बॉल माउस देखा था ना पीछे आपने, और ये आपकी ऑप्टिकल माउस है, ऑप्टिकल माउस में लाइट जल रही है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. यूजिंग माउस बटन्स, माउस बटन को यूज़ करना. व्हेन वी प्रेस ए बटन इट मेक्स ए क्लिक साउंड. जब हम माउस के बटन को क्लिक करते हैं तो ये प्रेस करते हैं तो क्लिक की साउंड करता है. कभी आप देखना, नोटिस करना माउस को क्लिक करके या प्रेस करके. डिफरेंट एक्शंस कैन बी डन यूजिंग अ माउस, माउस के इस्तेमाल करके कई सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे क्लिक, डबल क्लिक, ड्रैग, राइट क्लिक एंड स्क्रॉल. तो ये पांच ऑप्शंस हैं मेजरली जो हम माउस का यूज करके कर सकते हैं. ओके, वी हैव लर्न इन क्लास वन टू क्लिक, डबल क्लिक एंड ड्रैग द माउस. तो आपने ये क्लिक, डबल क्लिक और ड्रैग जो है फर्स्ट क्लास में सीख लिया है. ओके, तो एक रिकैप कर लेते हैं. क्लिक क्या होता है. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट बटन वंस इज कॉल्ड क्लिक. लेफ्ट बटन को एक बार दबा के छोड़ देने को हम क्लिक बोलते हैं. ओके, वी क्लिक टू सिलेक्ट आइकन्स ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पर कुछ भी आइकन सिलेक्ट करने के लिए हम क्लिक करते हैं. ओके, डबल क्लिक. अब डबल क्लिक क्या है, लेफ्ट बटन को क्विकली दो बार क्लिक करना या दो बार प्रेस करने को डबल क्लिक बोलते हैं. ओके, देखिए प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द लेफ्ट बटन ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड डबल क्लिक. दो बार जल्दी से क्लिक करके छोड़ने को डबल क्लिक बोलते हैं. वी डबल क्लिक टू ओपन आइकन ऑन द स्क्रीन. हम स्क्रीन पर कोई भी आइकन या कोई फाइल को ओपन करने के लिए डबल क्लिक करते हैं. ओके, ड्रैग. अब ड्रैग क्या होता है, मूविंग द माउस वाइल कीपिंग द लेफ्ट बटन प्रेस्ड इज कॉल्ड ड्रैग. लेफ्ट बटन को दबाकर और माउस की पोजीशन को चेंज करने को हम ड्रैग कहते हैं. नॉर्मली फोल्डर्स को या फाइल्स को एक, मतलब डेस्कटॉप पर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने के लिए हम ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं. ओके, वी ड्रैग ए माउस टू ड्रॉप पिक्चर्स. ये भी एक यूज़ है, पेंट पर या किसी भी हम ड्राइंग टूल जो होता है उस पर पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए भी ड्रैग का इस्तेमाल करते हैं. ओके, और ये सेकंड देखो उन्होंने लिखाई है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. चलिए अब डबल क्लिक के बारे में पढ़ते हैं. राइट क्लिक के बारे में पढ़ते हैं. प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द राइट बटन वंस इज कॉल्ड राइट क्लिक. राइट क्लिक देखो, इस राइट वाले बटन को प्रेस करके छोड़ने को हम राइट क्लिक बोलते हैं. वी राइट क्लिक टू ओपन ए शॉर्टकट मेनू फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑन द मॉनिटर. तो आपके डेस्कटॉप पर जो भी कोई आइकन्स हैं या जो भी कोई फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं उस पर आप राइट क्लिक करोगे तो एक कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन होगा उसके लिए, जो आगे हम अभी पढ़ेंगे. ओके, टू ओपन ए शॉर्टकट मेनू, देखो ये प्रोसेस बता रखा है. मूव द माउस सो दैट द माउस पॉइंटर पॉइंट्स एट एन आइकन. माउस की पोजीशन को मूव करके डेस्कटॉप के किसी भी आइकन या किसी फाइल पर ले जाओगे. नाउ क्लिक द राइट बटन ऑफ द माउस.
उस ऑब्जेक्ट या उस फाइल पर राइट क्लिक करोगे, इस शॉर्टकट मेनू पॉप्स अप, एक शॉर्टकट मेनू खुलेगा। द शॉर्टकट मेनू इज ऑल्सो कॉल्ड ए पॉपअप मेनू। इस शॉर्टकट मेनू को हम पॉपअप मेनू भी बोलते हैं। देख रहे हो उसमें डिफरेंट सारे डिफरेंट जो है ऑप्शंस होते हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओपन हो गया है ना, ध्यान से देखोगे तो इसमें ये सारे कट है, कॉपी है, प्रॉपर्टीज है, ये सारे एक्शन जो है उस कॉन्टेक्स्ट मेनू में दिखाई देते हैं। ओके, अब देखिए स्क्रॉल क्या होता है। रोलिंग द स्क्रॉल व्हील अप एंड डाउन इज कॉल्ड स्क्रॉल। जो स्क्रॉल व्हील है इसको आप स्क्रॉल करके ऊपर या नीचे करोगे तो उसको हम स्क्रॉल बोलते हैं। वी स्क्रॉल द माउस टू मूव ए पेज अप और डाउन। तो स्क्रॉल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, एक पेज ऊपर या नीचे जाने के लिए। जैसे आपकी स्क्रीन पर कोई अगर डॉक्यूमेंट खुला है तो उसमें एक पेज दो पेज नीचे जाने के लिए, या किसी फोल्डर में बहुत सारे अगर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको भी ऊपर नीचे हम स्क्रॉल करके देखते हैं। टू स्क्रॉल ए पेज, एक पेज को स्क्रॉल करने के लिए क्या करते हैं, प्लेस योर इंडेक्स फिंगर ओवर द स्क्रॉल व्हील। आपकी इंडेक्स फिंगर को स्क्रॉल व्हील पर रखना है। नाउ रोल द स्क्रॉल व्हील डाउन टू मूव अ पेज अप। इसको नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करोगे तो एक पेज ऊपर चला जाएगा। एंड आगे क्या है, रोल इट अप टू मूव ए पेज डाउन। इसको अगर व्हील को आप इस तरीके से ऊपर की तरफ ले जाओगे तो एक पेज नीचे जाएगा, है ना। अब देखिए ये क्या है, नो मोर। नो मोर में क्या है, डगलस एंजेलबार्ट इन्वेंटेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस। इन्होंने कंप्यूटर का फर्स्ट माउस जो है इन्वेंट किया था। इट वॉज मेड ऑफ वुड्स, ये लकड़ी का बना हुआ था। ओके, चलिए ये रिकैप है, इसको फटाफट से देख लेते हैं। द एरो ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड माउस पॉइंटर। ओके, जो माउस पॉइंटर बोलते हैं, जो एरो दिखाई देता है हमें डेस्कटॉप पर। द शेप्स ऑफ माउस पॉइंटर चेंजेस विद डिफरेंट एक्शंस वी डू ऑन टू द कंप्यूटर। ओके, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, बॉल माउस, ऑप्टिकल माउस, लेजर माउस एंड वायरलेस माउस। Pressing and releasing the left button once is called click. Pressing and releasing the left button twice quickly is called double click. Moving the mouse while keeping the left button pressed is called drag. Pressing and releasing the right button once is called right click. Rolling the scroll wheel up and down is called scroll. Okay? So, आपने इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अब इसके क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो।